शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये जो वीडियो है एक चैनल ड्रीम मैसेज है जो ड्रीम के थ्रू मुझे मिला है और आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कुछ विजन्स भी मुझे दिखाई दे रहे थे। तो ये जो चैनल्ड मैसेज है, सबसे पहले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ड्रीम में मैंने जिस तरह इस इमेज में आपको सन दिखाई दे रहा है फायर रिंग में, इसी तरह का सन मुझे ड्रीम में दिखाई दिया। मतलब कि कंप्लीट सूर्य ग्रहण जिसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ओके, तो इस तरह का ड्रीम मैंने देखा। और इस ड्रीम से पहले ही शाम को जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाले विजन्स आ रहे थे कि जैसे बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। और रात को मुझे इस तरह का ड्रीम मिला। तो इस ड्रीम को क्लियर करने के लिए, इसे डीकोड करने के लिए मैंने यूनिवर्स से प्रे की, एंजल से गाइडेंस मांगी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों इस तरह का ड्रीम मुझे आया है। इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये जो ड्रीम है मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए मैसेज है, बिकॉज जो सन होता है मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद जब मैंने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी, प्रे की, तो मेरे सामने महादेव की बहुत ज़्यादा रुद्र रूप वाली इमेजेस आने लगी। उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे सामने इसी तरह की एंगर में थे जिसमें महादेव, या बहुत ज़्यादा एंग्री रूप था उनका जो रुद्र रूप होता है, उसमें मुझे उस तरह की इमेजेस महादेव की दिखाई देने लगी। तो इस ड्रीम को जब मैंने डीकोड किया तो मुझे ये समझ आया कि जो मैसेज है हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए है। देखिए, मैस्कुलाइन एनर्जी ये नहीं कि सिर्फ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ही है। मैस्कुलाइन एनर्जी होती है हमारे अर्थ पर जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी प्राणी यहाँ पर रह रहे हैं, वो सभी मैस्कुलाइन एनर्जी को डिनोट करते हैं। और हमारी मदर गाया फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे सभी ये जितनी भी हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हों और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आपका इनर मैस्कुलाइन हो, उसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सूर्य ग्रहण देखने का मतलब है कि कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी मैस्कुलाइन की, ठीक है। दिस टाइम जो मैस्कुलाइंस हैं उनकी जो ईगो है बहुत बुरी तरह से शटर होगी। इस बार उनका जो लेयर उतरती हैं जो मैस्कुलाइन एनर्जी की, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, अब जो है उनका फाइनल लेयर, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और हो सकता है आप लोग ये खुद से भी फील कर पा रहे हो, आपको अपने इनर डीएम में भी इस तरह की एनर्जी फील हो सकती है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है, हो सकता है आप एक्शन ना ले पा रहे हो, जो भी आप करना चाहते हैं उस तरफ, उस दिशा में, राइट डायरेक्शन में एक्शन ना ले पा रहे हो, या बहुत ज़रा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की तरह आप बिहेव कर सकते हैं, या आपके मैस्कुलाइन आपसे इस तरह का बिहेव कर सकते हैं। हो सकता है आपको ट्रिगर मिल सकता है आपके मैस्कुलाइन से, आपको ट्रिगर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेव कर सकते हैं, ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं तो आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। बहुत ज़रा परेशान नहीं होना कि पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये एक बैलेंस लाने के लिए हो रहा है आप दोनों के बीच में, आपके अंदर DMDF बैलेंस के लिए, और इस पूरी अर्थ पर बैलेंस की जो ज़रूरत है उसे लाने के लिए ये हो रहा है। ये जो वॉर्स की सिचुएशंस बनी हुई हैं, ये सब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में आके कुछ कंट्रीज़ इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही हैं, और उनकी ईगो जब शटर होगी, उनके जो लॉसेस होंगे उन्हीं के थ्रू उनको रियलाइजेशंस होंगी।
और इसी तरह से जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं उनकी भी ईगो शटर होगी, अपने आप से ही अपनी ईगो के थ्रू ही उनकी जो है फाइनल अवेकनिंग होगी और अपने आप उनकी ईगो शटर होगी। आपको सिर्फ अपने डीएम इनर डीएम पर ध्यान देना है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है अगर, या बहुत ज़रा डिस्टॉर्टेड बिहेव करने लगे हैं आप, बहुत ज़रा गुस्सा आ रहा है आपको, या आपको बहुत ज़्यादा किसी तरह से, और अगर आपको इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं या आपके स्टमक में आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, आप खुद ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, या तो आप अपने पार्टनर से चेज कर सकते हैं उनको, या आप उनसे रन करेंगे अगर वो आपको चेज कर रहे हैं, या आप एक दोनों को ट्रिगर कर सकते हैं। तो आपको पेशेंसली इस एनर्जी को समझना है कि मैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वाली अगर एनर्जी से बिहेव कर रही हूँ एज अ फेमिनिन होने के बावजूद भी, क्योंकि आपके अंदर भी आपके डीएम हैं, तो आप भी इस तरह से बिहेव कर सकती हैं। तो अगर आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं तो अपने अंदर इस अपनी ईगो को जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अपनी ईगो को रिलीज़ करते हैं तभी आपके डीएम भी अपनी ईगो को रिलीज़ कर पाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना है, आपको अपने अंदर बैलेंस को लेकर आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर सामने वाला पर्सन आपसे ईगोइस्टिक बिहेव कर रहा है तो हम भी ईगो से बिहेव करें। आपको ये एनर्जी अपडेट, ये चैनल मैसेज ऑटोमेटिकली मिल चुका है, पहले मिल चुका है, तो आप समझ सकते हैं जो एनर्जीज आप फील करेंगे आने वाले टाइम में। तो आपको ये चीज़ें समझनी है और अपने अंदर बैलेंस लाना है, ठीक है। और जो कुछ भी ये हो रहा है, जो भी डिस्ट्रक्शन होगा, बिकॉज टावर मोमेंट्स आ सकते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज की लाइफ में, हो सकता है उनके कार्मिक्स के साथ उनके टावर मोमेंट्स हों, या आपके साथ किसी तरह का ट्रिगर हो सकता है, फिर से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकती है छोटी छोटी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हाँ अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ, तो अचानक से ऐसा फिर से क्यों हो गया हमारे साथ, हमें फिर से क्यों ट्रिगर मिल रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि पूरी तरह से फाइनल असेसमेंट, फाइनल अवेकनिंग के लिए जो मैस्कुलाइंस की है, आपको ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं और आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो आपको इस एनर्जी को समझना है और अपने अंदर बैलेंस को मेंटेन रखना है, कोशिश करनी है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की। और अगर आप लोगों को स्टमक में डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्राउन चक्रा या हेड में प्रॉब्लम पेन हो सकती है, या हैवीनेस फील हो सकती है, ठीक है, नींद की दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या उनकी स्लीप पैटर्न चेंज हो सकते हैं ऐसे टाइम पे, हो सकता है लेट नींद आए आपको रात को और सुबह देर तक आप सोते रहें, तो आप लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है और इस मैसेज को जस्ट एज अ पॉजिटिव वे में लेना है कि जो भी होगा आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है, आपकी यूनियन के लिए हो रहा है, आपको यूनाइट करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये एक पुश मिलेगा मैस्कुलाइन एनर्जी को। जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी मैस्कुलाइंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ढीट होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनी ही ईगो में रहते हैं, तो उनकी ईगो को शटर करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक डेफिनेटली ऐसा पुश ज़रूर मिलता है जब उनकी ईगो बुरी तरह से शटर होती है। तो वही टाइम अब है। तो अगर आपके मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करें, या आप ही कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करें, या आपको लगे कि मैं अपने मैस्कुलिन की तरह बिहेव कर रही हूँ, तो आपको जस्ट इस एनर्जी को समझना है और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। इसे ज़्यादा स्टक करके नहीं रखना है इस एनर्जी को, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और अपने आप को ईगो से बिल्कुल फ्री कीजिए। जितना आप अपनी ईगो को बिल्कुल शटर करेंगे, बिल्कुल ईगो लेस हो जाएंगे, वैसे ही आपके पार्टनर पर भी मिरर इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस में रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कीजिए। तो ये था एनर्जी अपडेट और चैनल्ड मैसेज।
आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगा। तो जिनसे भी ये एनर्जी जो भी फील कर पा रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को एक दो दिन पहले ट्रिगर मिल चुका हो और ऑलरेडी मिल चुका हो अपने मैस्कुलाइन से, या कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।